अस्सलाम वालेकुम खवातीन व हज़रात, मैं हूँ डॉक्टर मुज़ना इब्राहिम और मैं आप सब के लिए लेकर आई हूँ सेहतमंद दिल का राज। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी एंजाइना पेन के बारे में और मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि इस हाइपर अवेयरनेस के दौर में आप सबको पता है कि एंजाइना है क्या। आई एम श्योर कि आप सबको ये भी पता होगा कि जब एंजाइना पेन हो रही होती तो एक्चुअली दिल की अपनी ब्लड सप्लाई या सर्कुलेशन अफेक्ट हो रही होती है। हमने अपने पैनलिस्ट से जब बात की तो उन्होंने हमें ट्राइकार्डन के बारे में बताया जो कि एक 100% नेचुरल मेडिकल ब्रेक थ्रू है। साथ ही साथ उन्होंने हमें ये बताया कि वो कौन सी दूसरी बीमारियां हैं जिसमें सर्कुलेशन अफेक्ट होती है, जिनमें ट्राइकार्डन एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ सेविंग रोल प्ले कर सकती है। हम कॉन्वर्सेशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे जहां से हमने छोड़ा था, बट विथ अ न्यू एक्सपर्ट पैनलिस्ट। लेट मी इंट्रोड्यूस हिम टू यू। आज हमारे साथ है मेजर जनरल रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मसूदुल हसन नूरी साहब। आई एम सो प्राउड एंड सो हम्बल्ड टू हैव हिम हियर ऑन द शो विद अस। ही इज़ ए कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड द CEO ऑफ ताहिर हार्ट इंस्टीट्यूट, रिसिपियंट ऑफ द सितारा इम्तियाज एंड एन एक्स कमांडेंट इन द आर्म्ड फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी विच इज़ बेटर नोन बाई अस एज AFIC। अस्सलाम वालेकुम सर, and thank you so much for taking the time out for being on the show. जब हम लोग बात कर रहे थे इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले तो मैं ये चाह रही थी कि मैं किस तरह भरपूर एडवांटेज ले सकती हूँ और फ़ायदा ले सकती हूँ कि आप आज शो पे हैं और वो जो लाखों लोग हैं जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। एंड जैसे मैंने पिछली दफ़ा इंट्रोड्यूस किया था शो को तो मैंने लोगों से कहा था कि ये शो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनको हार्ट डिजीज़ है, बल्कि उन सब के लिए है जो एट रिस्क भी हैं या जिनके फैमिली हिस्ट्री में हार्ट डिजीज़ बहुत वाजे है। एंड देन जो बात मैंने की थी जिससे सब बहुत हैरान हुए थे कि ये शो उन लोगों के लिए भी है जो बिल्कुल अपेरेंटली सेहतमंद हैं। मेरे फिजियोलॉजी टीचर ने मुझसे कहा था जब मैं मेडिसिन पढ़ रही थी कि जो आर्टरीज़ का ब्लॉक होने का सिलसिला है वो बेसिकली एट बर्थ शुरू हो जाता है। बात तो स्वॉलो करने के लिए बहुत तल्ख लगी थी उस वक्त पे कि अभी तो बच्चा पैदा हुआ है और उसी वक्त से वेयर एंड टेयर शुरू हो जाती, क्या ये बात सच है? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बात बिल्कुल सच है कि जब इंसान या बच्चा पैदा होता है तो उसकी दिल की जो शरियाने हैं उसके अंदर स्ट्रीक्स ऑफ फैटी डिपॉजिट्स आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाती हैं इससे ऑलरेडी। लेकिन वो तो बच्चा कुछ ना खा रहा है ना पी रहा है माँ के दूध के अलावा, तो ये हम कैसे समझें इस बात को? इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, उनमें से एक जेनेटिक भी है। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उसमें कदरन ये ज़्यादा होती है, वरना आम तौर पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर फैटी स्ट्रीक्स लाजमी दिखाई देती हैं इसे, और इनको प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी होता है जिसको हम प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कहते हैं। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, ये क्या होती है? इसका मतलब यह है कि पहले दिन से ही बच्चे को इस किस्म की ग़िज़ा या इस किस्म की एक्सरसाइज, जो कि बच्चा कर उसके लिए मुश्किल होता है लेकिन वालदा जानती है कि किस तरीके से किया जा सकता है, अगर हम उस वक्त से शुरू करें तो एक सेहतमंद दिल का पहला राज वहीं से शुरू होता है। हम ये भी सुनते हैं, अब आई डोंट नो इफ इट्स अ मिसकंसेप्शन और नॉट, और जब मैं ऐसे शोज करती हूँ तो मैं अपने ऑडियंस से कहती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ थोड़ी देर के लिए कि मैं खुद एक फिजिशियन हूँ। ऐसे सवालात पूछना बहुत ज़रूरी ताकि लोगों को बेहतर तरीके से बातें समझ में आए कि हम ये सुनते हैं कि जब एक यंग आदमी को हार्ट अटैक होता है तो उसके सर्वाइवल के चांसेस यू नो नेक्स्ट टू नन होते हैं, लेकिन जब एक बूढ़े आदमी को हार्ट अटैक होता है तो वो समहाउ और द अदर सर्वाइव कर जाता है, इसके पीछे क्या साइंस है? इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि जो यंग लोग जिनको हार्ट अटैक होता है आमतौर पर उनकी अगर आप पीछे लाइफ स्टाइल देखें, या वो वर्जिश कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनमें मोटापा है, उनमें फैमिली हिस्ट्री मौजूद है हार्ट डिजीज़ की, या ओवरवेट हैं या स्मोकर्स हैं, इसलिए वो जो नाली जब उनकी बंद होती है, चूँकि इस
एज ग्रुप में एक कोलेट्रल सर्कुलेशन डेवलप होने के चांसेस होते हैं। अगर ये मुतबादल राहें पैदा ना हो तो एक नाली अगर बंद हो जाएगी तो हार्ट अटैक ज़्यादा फेटल हो सकता है। क्योंकि आम तौर पर इस उम्र के बाद, जब वो 60 ईयर्स के बाद हो जा, उसकी उम्र बढ़ती है, उसमें उसने एक्सरसाइज भी कुछ हद तक की होती है, ग़िज़ा में भी एहतियात होती है, बीमारियां भी कदरन दूसरी बीमारियां कोमोर्बिडिटी कम होती हैं, इसलिए उसमें बचने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। ट्राइकार्डिन का एक मोड ऑफ एक्शन जो कि कोलेट्रल सर्कुलेशन की डेवलपमेंट के लिए है, इट इंक्रीजेज द कोलेट्रल सर्कुलेशन ऑफ वन आर्टरी विद द अदर हार्ट के लिए। इन अदर वर्ड्स, ये एक किस्म का नेचुरल बाईपास जो हम एक्सरसाइज या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ डेवलप करते हैं, ट्राइकार्डिन उसको फैसिलिटेट करता है। अच्छा, आपने फैसिलिटेट कहा, वरना जिस तरह हम लेजी से लेजी होते जा रहे हैं, हम कहेंगे जी ट्राइकार्डिन ले रहे हैं, अब हम सिगरेट भी पी सकते हैं, हम निहारियां और पाए भी खा सकते हैं, और एक्सरसाइज तो करने की जरूरत ही नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस डॉक्टर्स टू कीप आवर पेशेंट्स यू नो अ लिटिल एटलीस्ट अलर्ट एंड एक्टिव, बहुत जरूरी। सर, हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू कम बैक एंड कंटिन्यू द कन्वर्सेशन फ्रॉम एग्जैक्टली वेयर वी लेफ्ट इट ऑफ। स्टे ट्यून्ड। Welcome back to Sehatmand Dil Ka Raaz with me, Dr. Muzna Ibrahim. All right, sir, break se pehle to aapne hame natural collaterals aur bypasses ke baare mein samjha diya, jisse ye explain ho jata hai bahut aasani se ki jo hum dekhte hain ki jo young logon ko heart attack hota wo survive nahi kar pate, lekin बूढ़े लोग जो हैं जब उनको heart attack होता है तो वो किसी तरह बच जाते हैं, तो उसका reason आपने हमें बता दिया। हम जब दुआ मांगते हैं, जब मैं देखती हूँ जब अम्मी दुआ मांगती तो हमेशा हाथ उठा के कहती हैं बस अल्लाह मियाँ चलते फिरते उठा दीजिए और किसी की मोहताजी ना हो, और somehow हम ये भूल जाते हैं as डॉक्टर्स भी as पीपल भी कि जब ख़ानदान में कोई एक बंदा बीमार होता है तो बाकी सब किस तरह अफेक्ट होते हैं, किस तरह मुतासर होते हैं। तो एक हार्ट पेशेंट की ज़िंदगी और जो एक उसकी डिज़ीज़ भी प्रोग्रेस कर रही है वक्त के साथ, की ज़िंदगी कैसी होती है वो इन योर एक्सपीरियंस? जो एक दिल का मरीज़ है वो शुरू में तो आम तौर पर एंजाइना के साथ प्रेजेंट करता है, या एक हार्ट अटैक हो गया उसके साथ आया वो, तो सबसे बड़ी ज़्यादा तकलीफ़ जो उसको, वो साइकोलॉजिकल इम्पेक्ट है जो ना सिर्फ मरीज़ पर बल्कि पूरे ख़ानदान पर उसका होता है। क्योंकि हार्ट अटैक या एंजाइना प्रोडक्टिव ईयर्स में हो रहा है, 40 और 60 साल में, जब बच्चे छोटे हैं, शादी हुई है, काम कर रहा है, तो आप अंदाज़ा करें कि एकदम एक आदमी की ज़िंदगी स्टैंड स्टिल पर आ जाती है इससे, तो एक परेशानी का माहौल। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो इतनी ज़्यादा परेशानी जो कि साइकोलॉजिकल है, वो एक विशेष साइकिल भी प्रोड्यूस करता है, उसके साथ फिर दिल की बीमारी और ज़्यादा बढ़ती है क्योंकि स्ट्रेस ले रहा है वो। एग्जैक्टली। ओके। उसके साथ जब ये एंजाइना का अगर इलाज हो या इनकम्प्लीट इलाज हो तो बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है, एंजाइना वर्स हो जाएगा, हार्ट अटैक पर हार्ट अटैक होने शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि सूरत हाल इस किस्म की पहुँच जाती है कि दिल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारे साथ लाइव ऑडियंस है और मैं चाहती हूँ कि अगर किसी के पास कोई बात है, कोई सवाल है जो वो शेयर करना चाहते हैं, दिस इज़ द टाइम टू डू सो। जो मुझे प्रॉब्लम है उसके बारे में मैं मतलब शेयर करना चाहता हूँ लोगों के साथ, ताकि उनको भी अवेयरनेस आए और उसके बारे में वो बेहतर अपनी जो लाइफ है वो उसको गुजार सके, जैसे कि मैं अपनी गुजार रहा हूँ, यानी इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी। तो ये 2011 की बात है, ये प्रॉब्लम हुई थी मुझे, तो हार्ट बीट मेरी जो है थोड़ी सी बढ़ गई थी, तो उसके लिए जैसे कि फील होता है कि दिल बहुत तेज़ी से नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, बस कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है ना, अचानक ही एकदम हो गया था,
बहरहाल वो फिर मैं करीबी एक हॉस्पिटल था वहाँ चला गया, तो वहाँ उन्होंने फिर चेकअप वगैरह मेरा किया और उसके बाद कहने लगे जी एडमिट करेंगे, हमें एडमिट कर लिया और मेरी एंजियोग्राफी उन्होंने मेरी परमिशन के साथ फिर वो करी और उसके अंदर फिर बताया मुझे कि ये आपकी चीज़ें जो हैं बढ़ी हुई हैं और आपका जो है बाईपास करेंगे हम। तो बेसिकली जो आपकी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी वो आपको हार्ट अटैक हो रहा था? उसका उस वक्त तो मुझे नहीं पता चल रहा था, मगर जिस तरह उन्होंने मुझे कहा तो मैं थोड़ा सा घबराया। मैंने कहा ये कभी भी कुछ नहीं हुआ और अचानक एकदम कैसा हो गया है, यानी बाईपास तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा ऑपरेशन है, तो वो मैं थोड़ा सा वो हुआ। बहरहाल थोड़ी हिम्मत करी मैंने, तो उनसे फिर मैंने ये कहा कि मैं फौरी आपको कुछ नहीं कह सकता, बहरहाल इसका फिर फैसला हम करेंगे। फिर वो जब घर वाले आए, उनसे बात बात हुई, तो उन्होंने सब ने कहा कि फ़िलहाल हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, तो इनसे थोड़ा सा हम टाइम ले लेते हैं। फिर तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप देख लें, मगर यह है कि फौरी फैसला करते तो अच्छा था आपके लिए। मगर उसके बावजूद भी चूँकि मैं ये समझ रहा था कि मुझे कोई ऐसी बात नहीं हुई है, क्योंकि मैं बिल्कुल अपने आप को सही समझ रहा था। फिर क्या किया आपने? तो वो फिर जो कुछ भी था नहीं किया हमने, बहरहाल वहाँ से उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया और लामा लिख दिया उसके ऊपर कि आप मतलब अपनी मर्जी से जा रहे हैं। लामा मेडिकल टर्म है और ये हम उन पेशेंट्स के लिए लिखते हैं जो हमारे एडवाइस के बगैर, मेडिकल एडवाइस के बगैर हॉस्पिटल छोड़ के चले जाते हैं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं। बहरहाल वो फिर हम घर आ गए, तो फिर थोड़ा सा जो टाइम हमने लेना था उसी दौरान में फिर एक है मेरे करीबी, तो वो मेरे ख्याल पहले से ट्राइगार्डन जो है इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, ट्राइड एंड टेस्टेड, ओके। तो ज़ाहिर उनको उससे फ़ायदा हुआ होगा, उन्होंने फिर मुझे एडवाइस किया कि आप जो टाइम आपने लिया हुआ ठीक है अच्छी बात है, मगर उस दौरान अगर आप ये इस्तेमाल करें तो हो सकता है वो बाकी चीज़ों की आपको ज़रूरत ना पड़े। बस बहरहाल वो फिर मैंने शुरू कर दी। पहले वो डोज उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि 3 टाइम लें आप, दो दो कैप्सूल 3 टाइम। ठीक है, वो लिए मैंने और बस चलता रहा फिर सिलसिला। और साथ में जो आपकी दूसरी दवाइयां थी वो आप ले रहे थे? दवाइयां वो जो उन्होंने की थी वो मैंने नहीं ली, बिल्कुल भी नहीं ली। ओहो, यानी उसको आप इतना बड़ा रिस्क कह लें या जो भी कह लें। हाँ। तो मुझे कोई दोबारा वो जो फर्स्ट टाइम जो चीज़ हुई थी वो दोबारा नहीं हुई, वो दर्द कभी दोबारा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ फिर। और मैं वो कैप्सूल खाता रहा और आज तक ये 2015 का आ गया है साल। अब आपकी स्टोरी की जो मेडिकल वर्जन है वो भी मैं डॉक्टर नूरी से पूछूंगी। आम तौर पे जब सेल्फ मेडिकेशन की बात आती है कि पड़ोसी ने या चाचा ने या ताई ने कहा कि तुम ये खा लो, आई गेट वेरी अपसेट। बट नोइंग द ट्राइकार्डन इज 100% नेचुरल, वो जो एक खौफ होता है सेल्फ मेडिकेशन का वो समहाउ कम हो जाता है। सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर और एक नेचुरल ड्रग होने के ऊपर हम बात ज़रूर करेंगे, लेकिन Unfortunately, I have to take a short break here. I will be right back. Stay tuned. Don't go away. Alright, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुजफ्फर साहब से, जिन्होंने अपना एक केस बताया, स्टोरी बताई। एंड आई थिंक आपकी जो कहानी वो सिर्फ आपकी नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो कि इसी एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर सर, आई कैन सो हैप्पीली से कि नेचुरल है तो सेफ है, क्या मैं ठीक कह रही हूँ? बात एक हद तक तो सही है कि अगर कोई अच्छी दवाई का इंसान दूसरे से ज़िक्र करे और वो इसको इस्तेमाल करे और उसको सही फिट बैठ जाए तो फिर तो उसका असर अल्लाह ताला के फ़ज़ल से सही होगा। जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने दूसरी दवाइयाँ नहीं ली,
मतलब एज अ प्रैक्टिस जब पेशेंट आता और हार्ट डिजीज़ हो जाती तो एक पूरा कॉकटेल, उसको मैं कॉकटेल ही कहती हूँ, ऑफ मेडिसिन हम लिख के दे देते हैं, जिसमें एंटी प्लेटलेट भी है, लिपिड लोअरिंग ड्रग्स भी है जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, साथ में आपके हाइपरटेंशन को कम करने की ड्रग्स हैं, तो उन्होंने वो नहीं ली. सो ट्राइकार्डन जो है इन मेडिसिन के साथ लेना ज़रूरी है, आप उनकी डोसेज को कम कर दें, हाउ डज इट गो? इनके लिए तो आई थिंक इट वर्क्ड फैंटास्टिकली, शायद इसलिए कि डिजीज जो है वो शुरू के फेजेस में थी. हाउ कैन यू एक्सप्लेन दिस? देखिए, जो इन्होंने जिक्र किया कि दो नालियों में रुकावट थी और अर्ली बाईपास के लिए उन्होंने रिकमेंड किया, इसका मतलब बीमारी बहरहाल एस्टेब्लिश्ड होगी, ठीक है, और मॉडरेटली सीवियर डिजीज होगी इसे, ठीक है. लेकिन जो ट्राइड एंड टेस्टेड मेडिकेशन वेस्ट हमें बताता है, जो हम लोगों ने सीखी है कि एंटी प्लेटलेट खून पतला करने की दवाइयाँ भी लें, हार्ट का ब्लड प्रेशर को और हार्ट रेट स्लो करने की भी दवाइयाँ रखें, नालियों को खोलने के लिए जिसे हम वेजो डायलेटर्स कहते हैं वो भी लें, वगैरह वगैरह, तो वो तो लाजमी लेनी चाहिए. लेकिन इस दवाई के बारे में भी कोई शुबा नहीं, इसमें मल्टी फोकल मल्टी प्रॉन्ग्ड अटैक करती है ये दवाई. मुझे अच्छी तरह याद है, मैं कुछ अर्सा पहले इन चाइना की इन लेबॉरेटरीज में गया था, और जहाँ मैंने ख़ुद इस पर एक्सपेरिमेंटल वर्क देखा जो कि एनिमल स्टडीज़ थी, तो उसमें उन्होंने बताया एट माइक्रोस्कोपिक लेवल कि किस तरीक से ट्राइकार्डन, जिसमें बेसिकली तीन हर्बल इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन है, और हम जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वेस्ट की दवाइयाँ, इसमें कोई शुबा नहीं, एज एन एलोपैथ डॉक्टर जो मैं कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, उसमें कोई शुबा नहीं कि वो बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं, लेकिन सीइंग इज बिलीविंग. दैट्स ट्रू सर. जब तक हम जाकर उनकी रिसर्च लैब्स जो कि बेहतरीन लैब्स हैं और स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, अमेरिका भी आदमी गया, यूरोप भी गया, और चाइना की भी इस लैब में जो कि ट्रांजन प्रोविंस के अंदर टेस्टली लेबॉरेटरीज हैं, उधर जो एक्सपेरिमेंटल वर्क इनका हो रहा है से, वो ये चीज़ साबित कर रही है कि इसका एंटी प्लेटलेट खून पतला करने का भी इफेक्ट है. जो स्पैज़म होता है नालियों का, जिसके साथ स्पैज़म के साथ ब्लड सप्लाई कम हुआ, हार्ट के जनरेटर को कम ब्लड सप्लाई हुई और पैल्पिटेशंस वगैरह शुरू हुई या दिल की रफ्तार बेकायदा हो गई, ऐसे उसको भी हेल्प करती है, नालियों को खोलती भी है, और कोलेट्रल सर्कुलेशन जिसके बात कर चुके हैं उसको भी प्रमोट करती है. तो ये मेडिकेशन अपने लिहाज से एक यूनिक फॉर्मूलेशन है, जिसमें उसके 4, 5, 6 हमें मालूम है इफ़ेक्ट्स, शायद कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स जो अभी तक हमें नहीं मालूम कि किस तरीके से वो हार्ट को फ़ायदा देती है. इसके अलावा इनकी बात तो अपनी जगह बिल्कुल बजा रही, हम उन मरीज़ों में भी इनको देते हैं जहाँ, जिनको हम कहते हैं नो ऑप्शन पेशेंट, जिनका ना बाईपास हो सकता है, ना एंजियोप्लास्टी हो सकती है, ना कन्वेंशनल वेस्ट की मेडिकेशन असर छोड़ जाती हैं. हम कहते हैं ये दवाइयाँ भी जारी रखो, इसमें ऐड ऑन कर दो. मेरे फैमिली में हार्ट डिजीज है, डायबिटीज भी है, तो मैं अगर एक प्रिवेंटिव डोज लेना चाहूँ, मैं ले सकती हूँ, राइट, एज अ प्रिवेंटिव मेजर टू अवॉइड दीज डिजीजेस, तो व्हाट वुड माय प्रिवेंटिव डोज बी? अगर डोज लेनी है तो 2 कैप्सूल सुबह 2 शाम. 2 शाम 2 सुबह 2 शाम. और जिनको इस वक्त डायग्नोस्ड हार्ट डिजीज है, जो वो कॉकटेल भी साथ ले रहे हैं, उनकी क्या डोसेज होगी? उनको 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम, और जब कभी भी कोई एंजाइना वगैरह हो तो उसको सबलिंगुअल, उसको जुबान के नीचे भी रख सकते हैं. सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. माय माइंड इज स्टिल ओवरफ्लोइंग विद क्वेश्चंस, लेकिन वक्त कम और मुकाबला सख्त, एंड दिस इज अ फाइट वी आर फाइटिंग. एंड मुझे और डॉक्टर साहब को, आई एम श्योर हम दोनों को ये लगेगा कि अगर आप में से जो लोग सुन रहे हैं, अगर आप में से कोई एक भी हमारी बात समझ लें और ट्राइकार्डन को शुरू कर लें और उससे फ़ायदा हासिल करें, और आपके फ़ायदे से जब आप किसी और को बताएंगे, जिस तरह मुजफ्फर साहब को किसी और ने बताया था और इनकी बेसिकली ज़िंदगी ही बच गई, एंड इफ दिस पॉजिटिव cycle continues, we will feel
like we have done our jobs in the correct manner and that we have by proxy saved a life. Thank you so much once again, Dr. Saab. It's been such a pleasure. Thank you all for watching. I will see you next week, inshallah, very soon with another set of panelists and lots more information and misconceptions to bust. Till next week, this is me, Dr. Muzna Ibrahim, saying take care, stay healthy, be happy. Allah Hafiz.